हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सिंह बोहरा। मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल केआरएमएसबी में आपका स्वागत है। यदि आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, लाल से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड आवर नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेस लाइन क्या होती है और टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अब हम देखेंगे कि मिसअलाइनमेंट जो है उसको अलाइनमेंट करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला हम करते हैं रिमेंड फेस मेथड, दूसरा करते हैं रिवर्स डायल मेथड, तीसरा करते हैं लेजर मेथड। रिमेंड फेस मेथड में या रिवर्स डायल मेथड में हमको जो है कपलिंग के ऊपर, इवन लेजर में भी हमको कपलिंग के ऊपर चार मार्किंग करना पड़ता है। सबसे पहला टॉप में, जिसको कि हम 12 o'clock बोलते हैं, ठीक बॉटम में जिसको हम 6 o'clock बोलते हैं, उसके बाद इसके 90 डिग्री में जहां हम 9 o'clock बोलते हैं और इस हाथ में 3 o'clock बोलते हैं। मीन्स घड़ी के अनुसार ठीक 90 डिग्री में 12, 3, 6 और 9 बजे इन्हीं जगह पर हम किसी भी मेथड से अलाइनमेंट करें तो रीडिंग हम यदि फेस की ले रहे हैं तो सामने लेते हैं। सामने लेने से इसका एक्सियल मिसअलाइनमेंट हमको पता चल जाता है। टॉप में, जिसको कि हम रिम बोलते हैं, इसको लेने से हमें पैरेलल मिसअलाइनमेंट का पता चल जाता है। इस तरीके से हम जब भी अलाइनमेंट करते हैं तो रीडिंग नोट करते हैं। जो रीडिंग हम नोट करते हैं वो यदि इंच में ली गई है तो थाउजेंड्स ऑफ इंच, मींस 0.001 इंच, जिसको कि मिल्स भी बोलते हैं। यदि एमएम में ली गई है तो माइक्रोन बोलते हैं, जिसमें 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग, मींस 0.001 एमएम, जिसको कि हम माइक्रोन बोलते हैं। इस तरीके से रीडिंग ली जाती है। अब हम देखेंगे कि जो कपलिंग में हमने 12, 3, 6 और 9 बजे का मार्किंग किया हुआ है, इस जगह पर रीडिंग लेने पर हम इसको फिर अलाइनमेंट करते हैं। लेकिन अलाइनमेंट करने के हमको एक चीज पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट हम क्यों नेसेसरी, क्यों करते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करने से मशीन का जो है स्मूथ रनिंग होती है, इसका जो है लाइफ जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, लॉन्ग लाइफ हो जाती है, टेम्परेचर रेज नहीं होता है, साथ ही साथ बेरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। तो अब बेरिंग की लाइफ जब बढ़ जाती है, मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा वो कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाता है। जब वाइब्रेशन कम हो जाता है तो फाउंडेशन बोर्ड वगैरह टूटने बंद हो जाते हैं और साथ ही साथ जो है हमारी कपलिंग फेलवर नहीं होती। इस तरीके से हमारे बहुत सारे एडवांटेज जो हैं अलाइनमेंट करने के बाद प्राप्त होते हैं। अब हम उसमें देखेंगे कि अलाइनमेंट करते समय जो हमारा है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे या एसेसरीज यूज करेंगे अलाइनमेंट करते समय। जैसे सबसे पहले हम फिलर गेज लेंगे, जिसकी की एक्यूरेसी 0.01 mm से लेके 2 mm तक थिकनेस का तथा 150 mm लंबाई से लेके जैसी हमारी जरूरत है उसके अनुसार।
दूसरा जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल, जो कि 300 mm का लेंगे हम। तीसरा मास्टर स्प्रिट लेवल। मास्टर स्प्रिट लेवल ये कई प्रकार के आते हैं, इसकी एक्यूरेसी जो है हम जो लेते हैं 0.02 mm पर मीटर है। इसमें 0.02 mm पर 5 मीटर भी है और साथ ही साथ 0.01 mm पर मीटर भी है। तो इसके हिसाब से इसकी एक्यूरेसी हम जैसा अवेलेबल है, जितनी हाई एक्यूरेसी चाहिए उतनी हाई एक्यूरेसी का हम मास्टर लेवल लेते हैं। यदि 0.02 mm पर मीटर है, इसके लिए बहुत हाई एक्यूरेसी यदि करना है हमको, तो 0.02 mm पर 5 मीटर का हम मास्टर स्प्रिट लेवल लेंगे। उसके बाद जो है हमारा डायल इंडिकेटर जो है वो जिसमें कि हम मैग्नेट से फिक्स करते हैं वो भी लेंगे। साथ ही साथ जो डायल इंडिकेटर जो है वो 0.01 mm एक्यूरेसी वाला लिया जाता है। प्लम्ब जो कि बॉम्ब, जिसको कि हम साहुल भी बोलते हैं, सिविल डिपार्टमेंट में जो यूज किया जाता है, इससे हम इसका जो अलाइनमेंट करते हैं ये फास्ट अलाइनमेंट के लिए हमको मिलता है, प्राप्त होता है। लेजर किट जिसके लिए हमको जरूरत पड़ती है एडजस्टमेंट के लिए, यदि हमको लेजर किट से यूज करना है तो लेजर किट यूज करेंगे, अन्यथा डायल इंडिकेटर यूज करेंगे। मिरर मींस आईना। उसके बाद डायल इंडिकेटर या लेजर किट को माउंट करने के लिए जो फिक्स्चर है उसका इस्तेमाल करते हैं। लाइन डोरी मींस एक डोरी, चाहे हम पियानो वायर ले लें या सीधे लाइन डोरी ले लें, इसका भी यूज होता है। साथ ही साथ जो हमारा वाटर लेवल ट्यूब जो है इनका यूज होता है। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है हमको फास्ट अलाइनमेंट करने के लिए यूज में करते हैं। यदि हमको अलाइनमेंट करना है तो कुछ चीज़ें हमको फास्ट पहले ही कर लेनी चाहिए, उसके बाद हमको फाइनल साइड में जब जाता है उसमें करेंगे। तो धन्यवाद। अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें ये आएगा कि हम यदि 15 मिनट अपना और खर्च कर दें तो अलाइनमेंट करने के पहले यदि हम 15 मिनट और एडिशनल यदि खर्च कर दें तो ये हमारे घंटों की मेहनत और कई रुपए, बहुत सारे डॉलर्स में ये बचाता है। तो क्या चीज़ें, कैसे प्रिकॉशंस करना है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब यदि आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है तो इसकी लिंक नीचे दी हुई है, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।